I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 40 and we're going to talk about the mechanisms of mindfulness. जब हम mechanisms of mindfulness की बात करते हैं, तो no doubt उन mechanisms में हमारी trainings, हमारी exercises to develop our mindfulness ये भी शामिल होगी, and at the same time हमें इस बात को भी फोकस में रखना है कि हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे बेहतर वो कर सकते हैं। अब माइंडफुलनेस इज बेसिकली ऑल्सो लिंक्ड विद अवर एडेप्टिव चैलेंजेस एडेप्टिव चैलेंजेस हमसे रिक्वायर करते हैं कि हम सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर सकें अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर सकें अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकें और उन तमाम एस्पेक्ट से हम चैलेंजेस को बेहतर तौर सामना कर पाएंगे अब उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए माइंडफुलनेस ट्रेनिंग के अंदर चंद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शामिल हैं

उसके बाद हमें यह देखना है कि हमारा माइंड उन प्रोसेस को आपस में कोरिलेट कैसे कर रहा है उन कंस्ट्रक्ट्स और वेरिएबल्स को आपस में लिंकअप कैसे कर रहा है सो so, हम अपने हाउ एस्पेक्ट ऑफ माइंड को भी वो अंडरस्टैंड करते हैं द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो माइंड फिनोमिना में हमें समझना है एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रोसेस्ड जिसमें हमें यह पता चलेगा कि इवेंचुअली जिस वेरिएबल कंस्ट्रक्ट फिना को हमने अंडरस्टैंड किया हमारी परसेप्शन डिवेलप क्या हुई और उस परसेप्शन के मुताबिक हम उस फिन से रिलेटेड सिचुएशन से रिलेटेड किस हकीकत को वो जान सके हैं और हमारे पास एंड रिजल्ट वो क्या आ रहा है उस सारी माइंड एक्टिविटी के बाद इस सारी एक्टिविटी को हम एक एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब हम एक सोसाइटी में मूव करते हैं तो वक्त हमारा ताल्लुक बहुत तरह के लोगों से है डिफरेंट रंगो मजहब के लोग हैं डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करने वाले लोग हैं और अब हमें यह देखना पड़ेगा कि उन डिफरेंट नेशनैलिटीज़ और रंगो मज़हब के जो लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं एक ग्रुप में अगर मौजूद हैं तो उनसे हम डिफरेंटली डील कर रहे हैं और हर किसी के साथ हमें उसके लेवल पर जाकर वो बात करनी पड़ेगी हमें उनके मूड्स एंड इमोशंस का ख्याल रखना पड़ेगा हमें उनकी फीलिंग्स को मद्देनजर रखना होगा हमें उनके थिंकिंग पैटर्न्स को भी समझना होगा क्योंकि अक्सर औकात हम शायद एक ही रूल से तमाम लोगों को लेकर वो ना चल सके हर किसी का मोटिवेशन का लेवल डिफरेंट है हर किसी की नीड डिफरेंट है हर किसी का एंथुजम इन्वॉल्वमेंट इंकरेजमेंट डिफरेंट है तो अब जब तमाम लोग एक ग्रुप में डिफरेंट परस्पेक्टिव के साथ मौजूद होंगे तो एक लीडर को उन सब के साथ डिफरेंटली डील वो करना होगा नतीजा याद रखिएगा कि लीडरशिप कैन आल्सो बी हाईली स्ट्रेसफुल और वह हाईली स्ट्रेसफुल क्यों हो रही है बिकॉज एक लीडर अकेला शख्स बहुत से लोगों के साथ जब इंटरक्ट कर रहा है तो जाहिर है कि हर किसी के माइंड वर्किंग के साथ उसको अपने आप को synchronize और पैटर्नाइज वो करना है अगर हम सारी बात को कंक्लूड करें तो लीडरशिप कोई आसान काम नहीं है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस और सरकम का सामना वो हमें करना होता है और मुख्तफ अवत में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तफ लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तो जाहिर है कि आपको बहुत माइंडफुल रहने की जरूरत होगी थैंक यू